हिंदी सिनेमा के बेहद खूबसूरत और इंडस्ट्री पर कई दशक राज करने वाले एक्टर देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। सुरैया की नानी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इस नफरत की आग में दो हंसों का जोड़ा जुदा हो गया। जहां सुरैया ने जिंदगी पर किसी से शादी नहीं की, तो वही देवानंद भी सालों तक तना रहे। मगर देवानंद की जिंदगी में उन्हें संवारने वाली मोना की एंट्री हुई। बेहद खूबसूरत और प्यारी सी मोना, जिनका असली नाम कल्पना कार्तिक था, जी हां, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। तो आइए आज आपको देवानंद की पत्नी के बारे में बताते हैं। कल्पना कार्तिक का असली नाम मोना था, मगर जब वो फिल्मों में आई तो डायरेक्टर व देवानंद के भाई चेतन आनंद ने उनका नाम बदलकर कल्पना कार्तिक कर दिया। आगे चलकर वह इसी नाम से मशहूर हुई। 19 सितंबर 1931 को लाहौर में जन्मी कल्पना कार्तिक का जन्म अच्छे खासे क्रिश्चियन परिवार में हुआ। बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला में शिफ्ट हो गया। उनके पिता तहसीलदार हुआ करते थे। वह 5 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने शिमला से अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। पढ़ाई के दौरान कल्पना कार्तिक ने मिस शिमला कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जहां डायरेक्टर चेतन आनंद की नजर उन पर पड़ी। यह दिलचस्प बात यह है कि चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद कल्पना की कजिन थी। चेतन आनंद ने ही कल्पना की फैमिली को मनाया कि वह उन्हें फिल्मों में काम करने दे। जैसे तैसे परिवार मान गया और चेतन आनंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म से वह जुड़ गई। बस फिर कल्पना ने शिमला से मुंबई का रुख किया। कल्पना ने साल 1951 में बाजी फिल्म में डॉक्टर रजनी की भूमिका निभाकर खुद को साबित कर दिया। फिल्म में वह देवानंद के अपोजिट नजर आई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद की गई और कल्पना को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला। कल्पना ने 50 के दशक में महज 6 फिल्मों में काम किया और 6 ही फिल्मों की निर्माता रही। उन्होंने देवानंद से शादी के बाद करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया था। करियर की 6 फिल्म बाजी, आंधिया, हम सफर, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11 में उन्होंने देवानंद के साथ काम किया। हिंदी फिल्मों के गुजरे जमाने के एक्टर देवानंद और कल्पना कार्तिक की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। कल्पना संग उनकी लव स्टोरी काफी दिलचस्प है और उससे भी मजेदार है उनका शादी का किस्सा। आइए जानते हैं कि उनकी लव स्टोरी के बारे में। सिमी ग्रिवाल के साथ इंटरव्यू में अपनी शादी और कल्पना के बारे में देवानंद ने कहा था कि वह सुंदर, चुलबुली, शरारती और शिक्षित थी। हमें बाजी के सेट पर एक दूसरे से प्यार हो गया और चुपके से शादी करने का फैसला किया। क्योंकि शादी एक बहुत ही निजी मामला है, हमने योजना बनाई कि हम शादी करेंगे और किसी को नहीं बताएंगे और फिर हम एक रिसेप्शन देंगे। देवानंद और कल्पना एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। देवानंद पहले ही दिल में धोखा खाए बैठे थे, तो वही कल्पना भी देव के प्यार में दीवानी हो गई थी। दोनों ने टैक्सी ड्राइवर के सेट पर सीक्रेट शादी कर ली थी। साल 1954 में दोनों ने टैक्सी ड्राइवर के सेट पर लंच ब्रेक में 7 जन्मों बंधन में बन गए। देवानंद अपने समय के आगे के व्यक्तित्व थे, जो उनके काम और उनके जीवन के तरीके से स्पष्ट थे। वो फिल्म इंडस्ट्री के ओजी स्टाइल्स आइकॉन भी थे, जहां उनके प्रशंसकों की भीड़ उनके अनूठे कॉन्क्लेव को जश्न मनाती थी। देवानंद का पर्सनल लाइफ बार बार मीडिया में अटकलों का विषय चल रहा है, लेकिन उन्होंने 2 महिलाओं के बारे में बात की, कई मायनों में उनके जीवन को आकार दिया। अभिनेत्री सुरैया और जिस महिला से उन्होंने शादी की, पत्नी और अभिनेत्री की कल्पना कार्तिक ने की। यह सर्वविदित है कि देवानंद सुरैया से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने सुरैया के लिए एक बहुत बड़ी हीरे की अंगूठी भी खरीदी थी, जिसे एक कहानी के अनुसार उनकी नानी ने समुद्र में फेंक दिया था, जबकि दूसरी कहानी के अनुसार सुरैया ने खुद ही समुद्र में फेंक दिया था। जब सुरैया ने मना कर दिया तो देवानंद का दिल टूट गया, कथित तौर पर इसलिए क्योंकि वे दोनों अलग अलग धर्मों से थे। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि वह देवानंद से बड़ी स्टार थी और परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी, इसलिए उनका परिवार यह विवाह नहीं चाहता था। जाहिर तौर पर उनकी एक आखिरी मुलाकात हुई थी, जहां कथित तौर पर दोनों ने दिल खोलकर रोए थे। देवानंद के करीबी सहयोगी मोहन चुड़ीवाला द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार के अनुसार, सुरैया की मां ने देवानंद को रात 10 बजे उनकी छत पर आने और उनसे आखिरी बार मिलने के लिए कहा था। राज खोसला और गुरुदत्त ने मुसीबत के डर से उन्हें अकेले नहीं जाने को कहा। वो अपने साथ एक इंस्पेक्टर दोस्त को ले गया। 2 मशालों और 1 भरी हुई बंदूक के साथ इंस्पेक्टर पेरापेट पर बैठ गया।
उन्होंने देवान से कहा कि अगर उन्हें कोई मुसीबत का आभास हो रहा है तो अपनी टॉर्च दिखा दे। दो प्रेमियों की पीड़ा वास्तविक शब्दों से ज्यादा आंसुओं में व्यक्त हो गई थी। सूर्या ने कभी शादी नहीं की, हालांकि देवानंद आगे बढ़ गए मोना सिंह, जिन्हें स्क्रीन पर कल्पना कार्ती का नाम दिया गया था। देवानंद को उस दुख के दलदल से बाहर निकाला जो वे महसूस कर रहे थे। देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने शिमला में एक सुंदर लड़की को देखा। शिमला के सेंट बेट्स कॉलेज में पढ़ने वाली युवा कॉलेज की छात्रा को मिस शिमला का ताज पहनाया गया था और वह एक छोटी सी हस्ती थी। मोना एक पंजाबी ईसाई थी और उसके माता पिता मूल रूप से लाहौर से थे और विभाजन के बाद शिमला में बस गए थे। चेतन आनंद एक नए चेहरे की तलाश में थे और उन्होंने उन्हें फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजी किया। उन्हें पहला ब्रेक नवकेतन फिल्म की बाजी से मिला। उन्होंने फिल्म में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई। वह नवकेतन की दूसरी प्रोडक्शन थी और इसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया था। अमेरिकी नोयर फिल्म से प्रेरित हुए फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। उनकी अन्य फिल्में आंधिया 1952, हम सफर 1953, टैक्सी ड्राइवर 1954, हाउस नंबर 44 1954 और 9-2-11 1957 भी देवानंद के साथ ही की। कहा जाता है कि देवानंद बाजी की शूटिंग के दौरान ही उनसे प्यार करने लगे थे। इस बार वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे और जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। देवानंद पर भरोसा करे कि वे कुछ अलग करेंगे। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान, शूटिंग ब्रेक के दौरान ही उनसे शादी कर ली थी। उन्होंने 56 के सुनील आनंद के जन्म के साथ ही वे माता पिता बन गए। उन्हें एक बेटी भी हुई जिसका नाम देवीना रखा गया। इसके बाद देवानंद का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ा, लेकिन वे अपने 5 दशक लंबे वैवाहिक जीवन में मोना के प्रति वफादार रहे। 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। कल्पना कार्तिक ने 9-2-11 1957 के बाद फिल्मों में अभिनय छोड़ दिया और धीरे धीरे खुद को शोबीज से अलग कर लिया और एकांत प्रिय बन गई। फिल्मों को अलविदा कह दिया।